अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखिए ये डोरी मैं बनाई थी कस्टमर के कपड़े में, पर ये डोरी बहुत ज़्यादा मोटा बन गया है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम, ये कपड़ा अभी देने का टाइम है कस्टमर को, तो एक घंटे में ये देना है, तो हम इस डोरी को जल्दी जल्दी कैसे पतला करेंगे। देखिए डोरी तो बहुत बारीक बनाया जाता है, देखिए इस तरीक़ा से एक एग्ज़ाम्पल बता दे रही हूँ। देखिए उड़ेब पट्टी से आप कपड़ा बनाएंगे, जब डोरी बनाइएगा उड़ेब पट्टी से तो इस तरीक़ा से पतला बनेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये क्या है, जब सीधा कपड़ा से बनाइएगा ना, जब सीधा कपड़ा रहेगा कपड़ा में उड़ेब कपड़ा कट करने के लिए कपड़ा नहीं बचेगा, तो आप डोरी बनाते हैं ना, देखिए दोनों डोरी में कितना फ़र्क है। जब सीधा कपड़ा से हम डोरी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटा डोरी हो जाता है, देखिए बहुत अच्छा फील नहीं होता, मतलब अच्छा नहीं लगता, कपड़े का खूबसूरती बिगड़ जाता है। देखिए इस कपड़े में, इस डोरी में कितना प्यारा डोरी बना हुआ है ना, ये उड़ेब कपड़ा इसमें निकल गया था दोस्तों, तो उड़ेब कपड़ा में निकल गया तो हम इसको अच्छे से बना लिए, परफेक्ट एकदम पतला। लेकिन इसमें क्या हुआ ना कि ये सीधा कपड़े का डोरी है, तो सीधे कपड़ा का डोरी में ज़्यादा बारीक नहीं उतर पाता, तो हम इसको पतला करेंगे। जब हम बना दिए तो ये कपड़े में खुलकर खूबसूरती नहीं आ रहा था, कपड़े का खूबसूरती आना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए कपड़ा जैसा भी हो सिलाई से खूबसूरत होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीक़े से देखिए डोरी को इस तरीक़े से मशीन में फंसा के, और डोरी को इस तरीक़े से, जाइए हम कैमरा को और पास लाते हैं, बहुत करीब से दिखा रही हूँ आपको, इस तरीक़े से देखिए इस तरीक़े से अमेटना है डोरी को। आप ध्यान रखें कि हम इस साइड अमेट रहे हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ तक सिलाई करके आ जाएंगे तो फिर इस वाली डोरी को इस साइड नहीं अमेटेंगे, इसी साइड फिर फोल्ड करेंगे। ठीक है, इसी साइड, तो हम इस डोरी को इसी साइड फोल्ड किए और इस पर हम सिलाई चला देंगे। ठीक है, उसके बाद दिखाएंगे कि ये डोरी कितना खूबसूरत बनकर तैयार होता है। ये हो गया, और ये इस तरीक़े से देखिए, इस तरीक़े से फिर इसी तरफ हम फोल्ड कर दें, मेरी उंगली को देखिए, हम इस तरीक़े से फिर से फोल्ड किए और इसको खींच के फिर से सिलाई चला देंगे। ये हो गया, और उसके बाद ये देखिए अब दूसरी तरफ से ऐसे हो जाता लेकिन डोरी, लेकिन हम क्या करेंगे, उसी तरफ फोल्ड करेंगे जिस तरफ से हम एक बार फोल्ड किए हैं ऐसे करके। अब जितना दूर तक करना चाहे, पर थोड़ी थोड़ी दूर तक करिएगा तो ज़्यादा अच्छे फिनिशिंग से होगा। मैं भी बताती हूँ इस तरीक़े से, देखिए इस तरीक़े से देखो, और ये देखिए यहाँ से इस तरीक़े से करके, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितना यहाँ पर से सिलाई हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद ये देखिए इस तरीक़े से बनकर आया, पर अब इसका खूबसूरती हम बताते हैं, आप देखते होंगे इस तरीक़े से हम फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इस तरीक़े से इसको धीरे धीरे अमेटेंगे उल्टे की तरफ, तो देखिए इस तरीक़े से इसको घुमा देंगे, ये डोरी बहुत ही खूबसूरत बनकर आ जाएगा और पतला भी हो जाएगा। देखिए वो मोटा डोरी और ये पतला डोरी, देखें बारीकी से दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखें। और दूसरा डोरी देख लीजिए, इसी ड्रेस का दूसरा डोरी देख लीजिए, ये डोरी देखिए हम इसको इसमें चेंज कर दिए। ठीक है दोस्तों, चेंज कर दिए तो ये डोरी का खूबसूरती भी बढ़ गया और पतला भी हो गया। देखिए इससे क्या होता है कि कपड़ा में थोड़ा सा नुक्स रह जाता है तो मेरा दिल नहीं मानता रहता है कि अच्छा लग रहा है, तो हम उसको जुगाड़ कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, जब तक दिल नहीं मानता है कि हाँ कपड़ा परफेक्ट बन गया है, खूबसूरत लग रहा है, अच्छा बना है, तब तक हम कस्टमर को नहीं देते हैं इस तरीक़े से। देखें तभी हमारे कस्टमर हमारे साथ बने रहते हैं, और एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को भी साथ में लेकर आते हैं इस तरीक़े से। देखिए ये हो गया एक, अब चले इसको भी बना लेते हैं। अगर कि इस वाले में आपको अच्छे से समझ में नहीं आई हो तो आप दूसरे वाले को भी अच्छे से देख लें। ये सूट बना हुआ है, हम यहाँ सुई को फंसाते हैं इस तरीक़े से, सुई फंसा लिए, देखिए इसको नीचे से फंसा लिए इस तरह अंदर से, अब इसको इस तरीक़े से करेंगे और इसको अंदर से देखिए इस तरीक़े से ऐसे ऐसे घुमाएंगे, और ध्यान रखेंगे कि इसी तरफ घुमाएंगे। अगर कि आपको इस तरफ घुमाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरफ भी घुमा सकते हैं, तो इस तरफ घुमाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि इसी तरफ घुमाना है पूरा डोरी को। ठीक है, आप पूरा को एक साथ घुमा लीजिए या थोड़ा सा घुमाइए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, और उस पर सिलाई चला दीजिए।
ये हो गया। जब यहाँ पे हम सिलाई चलाएंगे तो अभी तो इस तरह डोरी दिखेगा, लेकिन इसको बनाना पड़ता है बाद में, इसको निकाल के इस तरीके से ना देखे। इस तरीके से इसको घुमा दिए, अब इसको सिलाई कर दें। अरे यहाँ पे फंस गया था क्योंकि वहाँ पे काट था पर कोई नहीं, ध्यान से यहाँ पे लटकन बना हुआ है तो इस लटकन के एकदम करीब में जाकर मशीन का सुई निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से साइड से पूरा धागा, यहाँ से फिनिशिंग से धागा कटिंग कर देंगे ताकि पता ना चले कि ये बाद में मैं बनाई हूँ। ये तो हो गया, इस तरीके से बन गया। आप इसको उल्टे साइड घुमा देंगे, जिस तरफ हम बनाने के टाइम में घुमाए थे उस तरफ नहीं, उसके अपोजिट साइड इसको घुमाएंगे और इस तरीके से देखें। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आई हो और ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अब तो लग नहीं रहा वो मोटा डोरी है। आपके पास भी उड़ेब कपड़ा नहीं निकल पाता है, आपके पास भी सीधा कपड़ा निकल पाता है और डोरी मोटा हो जाता है, तो आप इस तरीक़े से डिज़ाइनर डोरी का बना सकते हैं। देखिए इस तरीक़े से कितना प्यारा लग रहा है ना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इसी तरह मैं छोटे छोटे ट्रिक के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो भी थोड़ा सा धागा है बाद में पता ना चले कि हम इसी में से बनाया हुआ डोरी को फिर से हम बनाए थे, ऐसा फील हो कि इसी डोरी को ऐसे ही बनाया गया। ठीक है दोस्तों, चले बाय बाय। दोस्तों आपको आसान तरीके से सिलाई सीखना है तो आप प्लीज़ चैनल को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिलाई सिखाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए दोस्तों, सिलाई लगता तो बहुत मुश्किल है पर उतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आपके पास ये हुनर रहेगा तो आप किसी और के ना सही पर अपने कपड़े तो अच्छे अच्छे डिज़ाइन के बना कर पहन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सिलाई सीखें आसान तरीके से। अगर सोचते होंगे कि इंची टेप, देखिए मैं ये दो ड्रेस सोचते होंगे कि इंची टेप चलाना तो बहुत मुश्किल काम है, कैंची से कैसे कटिंग करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप करते करते परफेक्ट हो जाएंगे। कोई भी काम में कोई भी इंसान अच्छे से सीख कर नहीं आता, हम जो भी सीखता है सब यहीं आकर सीखता है। देखिए इस तरीके से ये गले में वर्क था इस सूट में, तो ये वर्क जो है ना यहाँ से यहाँ तक था, तो जब गला कटिंग हुआ था यहाँ से तो ये वर्क जो है थोड़ा सा यहाँ से निकला था, तो इस वर्क को हम खोल कर यहाँ देखिए इस तरीक़े से यूज़ कर लिए बाजू में। यहाँ देखें इस तरीके से बाजू में यूज़ कर लिए, ये देखें बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस यहाँ पर का जो कपड़ा है वो फेंका जाता, तो हम यहाँ पर के कपड़े का लेस जो है उसको खोल कर इस तरीक़े से देखिए दोनों बाजू में लेस को, ये तो लेस ज्वाइंट था ऐसे इस तरीक़े से सटा हुआ था, पर हम इसको क्या किए लेस को अलग अलग कर दिए यहाँ यहाँ से, और छः पीस निकला था इस तरीक़े से, छः इधर से और छः इधर से, तो छः इधर लगा दिए एक बाजू में, देखें तीन इधर से और तीन इधर से। देखिए बाजू बहुत खूबसूरत बन गया, लग रहा है कि बाजू में भी डिज़ाइन दिया हुआ था इस तरीके का लेस, पर ऐसा नहीं है, लेस यहाँ से हम यूज़ किए। देखिए आप खुद ही सिलाई सीखेंगे तो इस तरह का डिज़ाइन खुद कर पाएंगे, लेकिन आप टेलर को समझाते हैं तो टेलर ज़्यादा चार्ज लेंगे आपसे। इस तरीके से देखिए अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय बाय।